राजस्थान के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई गई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट के नए आदेश तक स्पीकर नहीं जारी कर सकते कोई भी आदेश। स्पीकर की याचिका पर सुनवाई जारी, सोमवार को मिली अगली तारीख। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में भी की थी टिप्पणी, असंतोष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। गहलोत ने चला नया दाव, सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने पर सहमति, सीएम और स्पीकर से बातचीत। पटना एम्स की नर्सिंग स्टाफ गए हड़ताल पर, वेतन बढ़ाने की मांग। भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त वंदना किनी की हालत गंभीर, एम्बुलेंस से भेजी गई पटना। भागलपुर जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित, जिलाधिकारी प्रणव कुमार को लाया गया है दिल्ली। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, लिखा गंभीर आपातकाल में भी 4 महीने से अदृश्य है राज्य के मुख्यमंत्री। धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्ती, कल से सुबह से 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में सन्नाटा, नहीं खुली दुकानें। पश्चिम बंगाल में चुनिंदा तारीखों पर लॉकडाउन का ऐलान, शुक्रवार को ढील देने पर भड़की सियासत। आसनसोल में पुलिस ने जारी किया आदेश, दोपहर 1 बजे के बाद बंद रहेंगे बाजार। उत्तर 24 परगना में लॉकडाउन के दौरान सख्ती, हर गाड़ी की चेकिंग। सिलगुड़ी में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन, बाजार बंद। हावड़ा में सड़कों पर सन्नाटा, गैर जरूरी काम से निकले लोगों को लौटा दिया गया घर। भोपाल में कोरोना पर काबू पाने के लिए नया फैसला, कल से 10 दिन का लॉकडाउन। 24 जुलाई शाम से 3 अगस्त तक शाम तक लॉकडाउन। मेडिकल सेवा, सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। भोपाल से बाहर जाना भी प्रतिबंधित, जारी किया गया ई पास। भोपाल में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही वाइन शॉप पर उमड़ी शराब लेने वालों की भीड़, लगी लंबी कतारें। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया भोपाल में लॉकडाउन का विरोध, कहा बकरीद और राखी के त्योहार में बंदी है हिटलरशाही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, राखी के लिए भी अपील की है कि ई राखी मनाएं। कोरोना से बीमार अमिताभ बच्चन का अस्पताल से नया ट्वीट, देर रात उलझनों और खामोशी का किया जिक्र। अस्पताल से बिग बी ने लिखा, खामोशी की तह में छुपा लो उलझनों को, शोर कभी मुश्किलों को कम नहीं करता। कर्नाटक के हुबली में नर्सों का प्रदर्शन, केम्स प्रबंधन पर लगाया पीपीई किट्स और मास्क में लापरवाही बरतने का आरोप। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 45,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, कुल मामले 12,38,000 के पार। कोरोना के डराने वाले आंकड़े, 24 घंटे में वायरस से 1,129 मरीजों की मौत। करीब 7 लाख के करीब लोग कोरोना से स्वस्थ हुए, 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 22 जुलाई तक 1,50,00,000 लोगों का सैंपल टेस्ट, कल 3.5 लाख लोगों ने कर लिया गया था सैंपल। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की रखी आधारशिला, 3,000 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कोरोना काल में देश रुका नहीं, वायरस से लड़ते हुए विकास के काम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ के हालातों पर जताई चिंता, हर संभव मदद का ऐलान। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगे रहते हैं, संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, 2020 का किया शुभारंभ, इको पार्क्स और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास और उद्घाटन। किशनगंज में इलाज के इंतजार में अस्पताल में महिला की मौत, कोरोना संदिग्ध समझकर डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। झारखंड में मास्क पहनना होगा जरूरी, अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू कराया फैसला। कोरोना पीड़ित महिला बिना बताए पुणे से चली गई दुबई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल सचिवालय का सैनिटाइजेशन किया गया, कई केस आने के बाद किया गया दवाओं का छिड़काव। नांदेड़ में कोरोना काल में भिखारियों की मुसीबत, प्रशासन की सख्ती पर बोले, खाना तक नहीं कहां से लाए मास्क। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, आज मुरली मनोहर जोशी की पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी, दर्ज कराया जाएगा बयान। कल लालकृष्ण आडवाणी की होगी पेशी, विवादित ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप। लालकृष्ण आडवाणी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर, 30 मिनट की मुलाकात में बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा। मध्यप्रदेश में विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का दावा,
राम मंदिर निर्माण के बाद ही होगा कोरोना का नाश। नेशनल हाईवे पर बाइक को बचाने में खाई में लटकी बस, बाल बाल बचे सभी यात्री। ग्रेटर नोएडा में फ्यूजन होम सोसाइटी के निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा 4 साल का बच्चा, मजदूर मां बाप के साथ था बच्चा। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में नशेबाजी का विरोध करने पर बेटे ने अपनी मां की पत्थर से मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। चमोली में नुशमला घाटी में पानी, लकड़ी के कच्चे पुल से पार करते हैं लोग। इंदौर में सब्जी बेचने वाले रईस अंसारी ने नगर निगम के अधिकारी को अंग्रेजी में समझाया, वीडियो वायरल। थाने में पुलिस वालों के क्वारंटीन सेंटर में चल रही थी पार्टी, छापामारी के दौरान भाग निकले लोग। कोरोना काल में गंगा की लहरों पर तैरती एनडीआरएफ की वाटर एम्बुलेंस घाट के किनारे बसे लोगों का कर रही है इलाज। वडोदरा में नकली सैनिटाइजर के गोदाम पर छापामारी, आरोपी गिरफ्तार। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आधे दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में, 5 लाख लोग प्रभावित। सिरसा के कई गांवों में घुसा पानी, मुख्यालय से टूटा संपर्क। सीतामढ़ी का सुरसन इलाका डूबा, जुगाड़ की नाव पर सवारी करने को मजबूर लोग। शिवहर का थाना पानी पानी, अस्पताल में भी घुसा पानी। समस्तीपुर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा में टापू बने दर्जनों गांव, डीएम ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। रक्सौल में सिरसवा नदी उफान पर, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। कई दिनों की भारी बारिश ने गुवाहाटी को भी किया बेहाल, लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। असम के गोलाघाट में खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी, लाखों लोग हुए विस्थापित। असम के चिरांग में पूरी तरह से डूबे निचले इलाके, नदियों के उफान ने मचाया कोहराम। असम के काजीरंगा में बाढ़ से भारी नुकसान, अब तक 113 जानवरों की मौत की रिपोर्ट। महाराजगंज में बाढ़ के पानी में डूबा गांव, शमशान जलमग्न होने से अंतिम संस्कार भी हुआ मुश्किल। यमुनानगर में यमुना नहर में बहे 2 बच्चे, 1 बच्चे का शव बरामद। बारिश के पानी में ग्वालियर में भी हादसा, हरसी नहर में बही 4 बच्चियां और 2 महिलाएं। मुक्सर के कई ब्लॉक्स में बारिश का पानी घुसा, दिक्कतें जानने के लिए किसानों के बीच पहुंचे विधायक। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी पर एक और FIR, गाड़ियों पर विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगाने का आरोप। काकादेव थाने में रखी है सील गाड़ियां, विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगे होने की खबर मीडिया में छपने के बाद हुआ एक्शन। मां बेटी का हत्यारा गिरफ्तार, मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी आरोपी को दबोचा। सबूत जुटाने के लिए आरोपी के घर चलाई गई जेसीबी मशीन, शवों को घर में छुपाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में 1 रात में 3 मुठभेड़, 5 बदमाश जख्मी। अलीगढ़ में इंसाफ के लिए पीड़ित को खाट पर लेकर SSP दफ्तर पहुंचे लोग, पौधा लगाने को लेकर विवाद में चली गोली, हुआ था घायल। मोगा में मनी चेंजर को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाई वारदात। प्रतापगढ़ में खाद बीज कारोबारी के ठिकानों पर ED के छापे, खाद घोटाले से जुड़े मामले में एक्शन। देवरिया में कहासुनी के दौरान युवक ने चलाई गोली, फरार होने से रोकने पर एक युवक का किया कत्ल, फिर खुद को मारी गोली। पटना सिटी के आलमगंज में सुधा बूथ काउंटर के संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, 100 रुपए का खुदरा करने को लेकर हुई थी अनबन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 7 साल की मासूम लापता, नाराज गांव वालों ने किया NH-12 को जाम। जमीन नापने पहुंचे सरकारी लेखपाल के सामने भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। सुकमा में 1 लाख का नामी नक्सल गिरफ्तार, मुखबिर की खबर के बाद जंगलों से पकड़ा गया। चमोली में नाबालिग से रेप के 2 लोग गिरफ्तार, 1 साल से कर रहे थे दुष्कर्म। बहरामपुर में कुएं से बचाया गया 12 फुट का कोबरा, फॉरेस्ट महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। छिंदवाड़ा में तस्कर से टाइगर की खाल बरामद, बेचने की फिराक में था लेकिन पुलिस की हत्या चढ़ा। गाजियाबाद में लापता बिल्डर के 27 दिन बाद भी सुराग नहीं, लोगों ने निकाला कैनल मार्च। बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू, पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। अमरोहा में शादी के 3 दिन बाद गहनों के साथ दुल्हन फरार,
पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली में पता पूछने के बहाने केबल ऑपरेटर से 3 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झारखंड में बदलेगा सरकार का लोगो, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 अगस्त से लागू होगा नया लोगो। नागौर में भीषण हादसा, कार और कंटेनर के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत। लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सरकार ने बनाया डिप्टी कलेक्टर, सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। दौसा में किसानों को बारिश का इंतजार, इंद्रदेव को मनाने के लिए एक किसान ने छोड़ा अन्न और पानी। देहरादून में कुंभ से जुड़े कामों की समीक्षा के लिए बैठक में नहीं आए अफसर, नाराज मंत्री ने रद्द की बैठक। पुणे के रेड लाइट एरिया में एक भी कोरोना केस नहीं, पुलिस और सामाजिक संस्थाएं कर रही है मदद। यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का सिलेबस घटाया, किताबों से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया। लखनऊ में तेज रफ्तार 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। गोपालगंज के अस्पताल में ठेके के कर्मचारियों की हड़ताल, कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव लेकिन टेस्ट नहीं होने से कर्मचारी नाराज। ऊधम सिंह नगर में शहीद देव बहादुर का अंतिम संस्कार, लद्दाख में हुई थी शहादत।